नमस्कार दर्शकों, यह है मैनेज न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक करने के फैसले पर बौखलाया पाकिस्तान, जताई आपत्ति। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अगले महीने G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले पर मंगलवार को कड़ी आपत्ति। इस्लामाबाद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अगले महीने G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले पर मंगलवार को कड़ी आपत्ति जताई और इसे अपने हितों को पूरा करने वाला कदम बढ़ाया। भारत को पिछले साल दिसंबर में G20 की अध्यक्षता मिली थी, जो एक साल तक रहेगी। भारत का जोर दिसंबर की शुरुआत में नई दिल्ली में समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर है। G20 विश्व की प्रमुख 20 विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक आम मंच पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा, 22 या 24 मई 2023 को श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करने के भारत को फैसले पर पाकिस्तान कड़ी आपत्ति जताता है। लेह और श्रीनगर में युवा मामलों में Y20 के संबंधित एक सलाहकार मंच की दो अन्य बैठकें समान रूप से परेशान करने वाला है। उसने कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना कदम अपने हितों को साधने की श्रृंखला में नवीनतम कड़ी है। पाकिस्तान इन कदमों की निंदा करता है। विदेश कार्यालय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जम्मू और कश्मीर की वास्तविकता को नहीं छिपा सकते हैं और न ही इस तरह की गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर से भटकाया जा सकता है। भाजपा राज्यों में डेयरी सहकारी संस्थाओं पर नियंत्रण करना चाहती है। नई दिल्ली 12 अप्रैल, कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में अमूल और नंदिनी ब्रांड के बीच जबरन समन्वय करने की घोषणा जान भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में डेयरी सहकारी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र और एक दूध का नारा दे। कल 5 अप्रैल को अमृत अमूल द्वारा बेंगलुरु में दूध और दही की आपत्ति करने की घोषणा के बाद से चुनावी राज्य कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि कर्नाटक के 21,000 करोड़ रुपए के नंदिनी ब्रांड का अमूल के साथ विलय किया जा सकता है। रमेश ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपने चिर परिचित अंदाज में कदम बढ़ा रही है। वे संविधान की उपेक्षा करके सहकारी संस्थाओं पर नियंत्रण कर रहे हैं, जबकि सहकारिता राज्यों के संबंधित विषय है। उन्होंने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर अब तक के कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सहकारी संस्थाओं पर किसानों की जगह अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रही है। रमेश ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा भारत के संघीय और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किया है। वह भाजपा और सहकारिता मंत्री अमित शाह के केंद्रीकृत नियंत्रण के प्रयासों का विरोध करती है। उधर गुजरात की सहकारिता कंपनी अमूल के प्रमुख जयंत मेहता ने मंगलवार को कहा कि वह बेंगलुरु में केवल ऑनलाइन चैनल के जरिए दूध और दही बेचेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नंदिनी दूध के साथ उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर दिल्ली कैट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। जयपुर 12 अप्रैल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दिल्ली कैट वंदे भारत एक्सप्रेस को बुधवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर के रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अजमेर दिल्ली कैट वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से जयपुर दिल्ली के बीच आना जाना और आसान हो जाएगा तथा इस ट्रेन से सावधान के पर्यटन उद्योग को भी बहुत मदद मिलेगी। मोदी ने कहा कि बीते 2 महीने में यह 6वीं वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसे वह हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, जब से ये आधुनिक ट्रेन शुरू हुई है तब से करीब 60 लाख लोग इनमें सफर कर चुके। तेज रफ्तार इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, यात्रियों का समय बचता है। उन्होंने कहा, वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी।
इस अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइप, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त चलाए दर्शकों, ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS